कमिश्नर साहब, आपकी छोटी बेटी क्या कर रही है? जय माता दी। नवरात्रि का दूसरा दिन और भूख लगी है। क्या बात करूँ, अभी जस्ट पाठ करके उठी हूँ, इसके बाद बोलने का इतना मन नहीं करता, और अगर धीरे बोलूँगी तो लगेगा रतन कहीं दुखी तो नहीं है। भूख लगी है, थोड़ा खा लेती हूँ। देखो, पूजा के पहले तैयारी कर रखा है। ये है जी अभी मेरे खाने की तैयारी। आप लोगों ने खाया क्या? आप लोगों ने खाया क्या? खा कर भी लिए। अभी ना बहुत काम है, मैं सोच कर थक रही हूँ। अभी पूजा करके उठी हूँ, बस थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खाऊंगी और उसके बाद मैं एक मीटिंग के लिए निकलूँगी। अब आप में से कईयों ने पूछा था, रतन आप क्या बता सकती हैं कि ये मीटिंग कैसी होती है, क्या होता है, हम भी जानना चाहते हैं। कई तरह की मीटिंग्स होती हैं और जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक मुझे लगता है क्या ही बताओ। कहते हैं ना, मम्मी लोग कहती थी, जब तक काम पूरा ना हो किसी को बताना नहीं। काम से संबंधित होता है, काम सिर्फ एक्टिंग नहीं होता, काम मतलब लाइफ से जुड़े हुए बहुत सारे काम होते हैं। तो कुछ छोटी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, अभी हम वो करेंगे। खट्टा नीता, क्या बना रही हो? पनीर और आलू का भुजिया भी? तो आज खाने में पनीर है और आलू का भुजिया और साथ में रोटी। नॉर्मल वाला जो चाय पीते हैं वही वाला बना। गुड इवनिंग। सो गए थे पूरा परिवार, यानी कि पेड़ पौधे, नीता, मैं, सब सो गए थे और अभी उठे हैं। और उठने के बाद लगा कि यार दिन कैसे भागा जा रहा है, मेरा जीवन ना बहुत तेज़ी से भाग रहा है। मुझे घबराहट हो रही थी आज जब मैं सोकर उठी हूँ, ऐसे घबराहट से उठी कि और एक और दिन बीत गया। सब कुछ थोड़ा लेट भी हो रहा है क्योंकि सुबह में मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ, फिर आकर के अपना नॉर्मल रूटीन, फिर पूजा और पाठ में मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि संस्कृत जो है वो ज़ुबान पे उतनी चढ़ी हुई नहीं है। आप लोग के साथ होता है ऐसा कि एक तो होता है कि अरे यार टाइम नहीं बीत रहा है, बड़ा बोरिंग डे है, वो फिर इंसान सोचता है आज क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पर एक होता है कि हाय हाय बीता जा रहा है, सब कुछ छूटा जा रहा है। इतने साल बीत गए मुझे घर छोड़े हुए। मुझे याद है मैं 2002 में अपने घर से निकल गई थी और आज 2022 हो गए हैं। यार मुझे ऐसे लग रहा है। तो चलो अभी चाय पीते हैं। मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होंगे कि आज मैं कुछ बात करने वाली हूँ जो हमने कल बात किया था, इम्पोर्टेंट बात, लेकिन आज सच में मन नहीं कर रहा है भारी भरकम बात करने की, और मैं मन के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाती। मुझे अभी वो सारे लोग याद आ रहे हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, जिन्होंने मुझे काम दिया है। जैसे मैं यहाँ आई थी, पहले दिन आई
और मैं आते ही नेक्स्ट डे महालक्ष्मी टेम्पल गई थी, माँ के दर्शन किए और मुझे एक कॉल आया ऑडिशन के लिए, सिने सिद्धांत विजन नाम था, हाँ मनीष गोस्वामी जी, करेक्ट, हाउस दैट जो शो था उसके लिए मेरा ऑडिशन हुआ और उसी दिन मैं फाइनल भी हो गई और उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया और मुझे लगा जय माँ मतलब लक्ष्मी, उन्होंने मुझे वेलकम कर दिया और कह दिया कि बेटा ये मुंबई शहर तेरा है, मतलब एकदम फिल्मी था। हाँ महालक्ष्मी टेम्पल पर मुझे बहुत श्रद्धा था, आने से पहले ही मैंने सोचा था आते ही दर्शन करूँगी, पर आते ही मुझे पहला शो मिल गया था। मुझे पता है आप कहेंगे लक्की, पर मैं कहूँगी ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड थी। बस कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा हाँ कॉन्ट्रैक्ट भैया पूरा अंग्रेज़ी में। अब आप सोचोगे तो क्या हुआ, अंग्रेज़ी तो था भैया, अंग्रेज़ी आपके लिए अंग्रेज़ी तो था, मेरे लिए तो बहुत भारी था क्योंकि अंग्रेज़ी में मैं गोल गोल अंडा, मतलब एक होता है अंडा होना और एक होता है फोबिया होना, मतलब इंग्लिश देखा कि जो समझ में आने वाला है वो भी ब्लैंक हो जाता था। अब जी उस समय बोला भी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बोला आपका कोई लॉयर है आप उनको पढ़ाना चाहेंगे, मैंने कहा है मुंबई शहर में मेरा घर है नहीं, मेरा कोई जान पहचान नहीं और सीधा लॉयर कहाँ से खड़ा कर दूँगी, तो उन्होंने कहा कि कर लो साइन ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैंने कर दिया, करना नहीं चाहिए पर मैंने कर दिया। और उसमें लिखा था कि मैं एक साल के लिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। अब भाई साहब हर महीने में 3 दिन या 5 दिन काम होता था और मैं 2500 पर डे पर वो शो साइन किया था, मैं बड़ी खुश थी 2500 पर डे, क्योंकि दिल्ली में मैं जब दूरदर्शन में काम करती थी तो 500 रुपये पर डे मिलता था, तो 2500 तो मेरे लिए बहुत था, पर ये नहीं घोचो सोच पाई कि दिल्ली में खर्चा कम होता है मूर्ख, मुंबई में 2500 तेरे आएंगे और जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अब हुआ ये कि हर महीने 3 दिन या मैक्सिमम 5 दिन शुरू होता था, मैं हर महीने का मैक्सिमम 7500 कमा पाती थी और मेरा खर्चा हर महीने का 9500 था, तो कह सकते हैं आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया, तो इसको मैनेज कैसे करती थी, तो मैनेज करती थी जी भूख हड़ताल करके, कभी दूध पी लिया, कभी वड़ा पाव खा लिए, कभी मतलब हाँ कई बार ही कहीं मिलने जाते थे, मीटिंग्स के लिए जाते थे, कहीं प्रेयर के लिए जाते थे, तो वहाँ लंच टाइम होता था तो जैसे ही कोई बोलता था कि खाना खाओगी, खाना खाने का टाइम हो गया, नहीं, और नाक में खुशबू जा रही होती थी, घर में नेचुरली अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आती है जब आप जाते हो कहीं, तो लगता था एक बार और पूछ ले यार मैं हाँ कर दूंगी ना नहीं कहना, तो एक बार और जैसे ही मुदिता कहती खाना खा लो ना रतन लेट हो जाएगा जाते थे, अच्छा ठीक है, और अंदर से कहती थी हे भगवान तू दुनिया में है, तूने आज मुझे पेट भर के खाना दिया, सोचो कमिश्नर साहब की बेटी भूखे मुंबई में एक्टर बनने का सपना लेकर घूम रही थी, घर पर जब भी फोन आता एवरीडे बात होती थी क्या कर रही हो, सब बढ़िया, खाना खाई, हाँ क्या खाई, तो मतलब मेन्यू मन ही मन में डिसाइड कर लेती थी जो मन हो रहा होता था खाने का, रोटी खाए हैं, आलू गोभी का सब्जी, अचार और थोड़ा सा सलाद भी काट लिए थे, कुछ नहीं होता था थाली में भाई साहब। और फिर वही बात, अगर बोल देती कि नहीं है तो बोलते कि आ जाओ, आप कहोगे तो पैसे मांग लेती, नहीं, मैंने मुंबई आने के बाद पापा से सिर्फ 50,000 रुपीज़ लिए थे, वो भी घर के डिपॉजिट के लिए, अदरवाइज मुझे अपने बलबूते पर एक्टर बनना था, मुझे ये नहीं था कि मेरी फेलियर, क्योंकि पता नहीं था ना कि सक्सेस मिलेगा, अगर पता होता तो शायद मांग भी लेती, मुझे लगता था कि अगर फेल हुई तो कल को बहुत सुनने को मिलेगा कि माँ बाप का पैसा डुबा दिया, इतने पैसे लगा दिए और कुछ किया नहीं, तो मुझे लगा कि कमी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया। मेरे घर में सोचो सब लोग रोज़ 3 टाइम का खाना खा कर सोते थे, वहाँ पे हेल्पर्स हो सब लोग होते थे, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे, अब जब माँ सुनती है तो माँ को बहुत तकलीफ होता है, मतलब रियल मायने में वो कभी कभी रोती है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ था, तो मैं कहती हूँ कैसे गलत हुआ था, मेरा स्वाभिमान था या मेरा ये अंदर से खटखट मत करो मैं बहुत ज़रूरी बात कर रही हूँ, ये पता है मैंने घर से पैसे क्यों नहीं लिए थे, मैंने मांगे थे लेकिन पापा के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा था कि अरे कमिश्नर साहब आपकी छोटी बेटी क्या कर रही है, तो पापा बेचारे बोलते कि वो सिखाती है अभिनय सिखाती है कि अभिनय, क्योंकि उन्होंने बोला कि अरे कमिश्नर साहब ये सबसे क्या होता है, अपना दाल रोटी भी नमक रोटी भी खा नहीं खा सकता है बच्चे इस फील्ड में,
तो सोचिए इसको ज़रा टीचर ट्रेनिंग या कुछ बीएड वीएड करवा देते, तब से पापा के दिमाग में बैठ गया था कि बीएड कर लो, बीएड कर लो। और मुझे अंकल की बात चुभ गई थी कि नमक रोटी भी नहीं खा सकती, तो मैंने कहा था पापा को कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक रुपये नहीं चाहिए, मुझे बस परमिशन चाहिए और सपोर्ट चाहिए। आप लोग बीच में मुझे ये मत कीजिएगा कि आ जाओ शादी कर लो या ये कर लो। तो सिर्फ मैं घर से परमिशन लेकर निकली थी, कैश नहीं। कैश मैंने खुद से 22,000 रुपये जमा किए थे दिल्ली शहर में काम करके, वर्कशॉप्स, एक्टिंग वर्कशॉप में मैं असिस्ट करती थी। जेब में 22,000 रुपये लेकर, ट्रेन के एसी में नहीं आई थी मैं, स्लीपर आई थी, 420 रुपये की टिकट थी, उसके साथ मैं मुंबई शहर में जय माता दी करके पहुंच गई। और बस वहां से लेकर यहां तक की जर्नी, ये कहानी है मेरी। और ये इतनी जल्दी तो सुना नहीं पाऊंगी, क्योंकि जो 15-20 साल हैं वो 15 मिनट के वीडियो में तो मैं समेट नहीं सकती, तो धीरे धीरे इस पर बात करेंगे। पर मैं ज़रूर कहूँगी कि नवरात्रि के व्रत, जन्माष्टमी के व्रत, मैंने बहुत व्रत रखे हैं, लेकिन मुंबई शहर में एक्टिंग के लिए जो व्रत रखा है ना, वो बहुत ही भयानक व्रत था। वो व्रत कब खुलेगा ये पता नहीं चलता था। वैसे हर एक्टर की लाइफ में आपको ये कहानी सुनने को मिलेगी, और सच बता रही हूँ वो सच होता है, क्योंकि यहाँ हम सपना लेकर आते हैं, लेकिन ये वाला जो होता है ना कैश मामला, वो हमारे पास नहीं होता। सच्ची में ये हम यहाँ कमाते हैं, और जब कमाते हैं तो लोग कहते हैं हाँ इन लोग की कोई लाइफ है, पैसे का कोई कदर है, ये लोग बहुत कमाते हैं, पानी की तरह बहाते हैं। अरे यार, क्योंकि बहुत कमी में जी चुके होते हैं, तो लगता है थोड़ा पैसा है तो उसको अपने ऊपर खर्च भी तो करो। भाई मैं कहाँ से कहाँ निकल जा रही बात करके, चाय बन गया क्या? बात मैं आप लोगों से कर रही हूँ और मुस्की वो ऐसे मार रही है साइड में बैठ करके, सुन रही है क्या कि मैं भूखी भी रही हूँ यहाँ पे? तो भूखी रही है यहाँ पे नहीं, देखो जरा नीता तो हमारे से ज़्यादा अच्छे कंडीशन में रही है, ये भूखी नहीं रही है। खैर, कोई अच्छा और बुरा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी कहानी है। तो आज बस हल्के फुल्के ऐसे ही बात करने का दिल कर रहा था, कुछ गहराई में नहीं जाना चाह रही थी। मिलते हैं कल, मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। खूब गरबा वरबा हो रहा है, मैं समझ रही हूँ, सब लोग नवरात्रि में गरबा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और हमारा वीडियो नहीं देख रहे। हमारा वीडियो देखो, रात को देखो, दिन में देखो, कभी भी देखो, और देखते हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हमें देख लिख कर बताइए कि आप लोग का नवरात्रि कैसे जा रहा है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन। थैंक यू सो मच। अब तो चाय दे दो, बात भी ख़त्म हो गई, गला भी सूख गया।